हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आ गई हूँ फिर से एक न्यू पिक अ कार्ड रीडिंग के साथ। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सभी अच्छे हैं, खुश हैं और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। आज मैं आप सभी के लिए एक पिक अ कार्ड रीडिंग करने वाली हूँ, लेकिन रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन्स बोलना चाहूँगी जिन्हों के भी पार्टनर ने उनको कॉल मैसेज कर लिया। कल जो मैंने रीडिंग की थी, आप में से बहुत सारे लोगों ने मुझे बताया कि आपके पार्टनर का रीडिंग देखते देखते ही मैसेज आ गया, कॉल आ गया। ठीक है, तो जिन्हों के भी पार्टनर ने उनको कॉल मैसेज किया है उनको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन्स, एंड जिनके पार्टनर ने नहीं किया है, नहीं कॉल या मैसेज किया है, तो डोंट वरी, बी पेशेंस एंड मैनिफेस्ट करते रहिए। बहुत जल्द आपकी लाइफ में भी सब कुछ ठीक हो जाएगा। ठीक है, आज एक गुड न्यूज़ शेयर करूँगी गाइज आपके साथ। मेरे चैनल पर 50K सब्सक्राइबर्स पूरे हो गए हैं आज। ठीक है, आज मॉर्निंग में ही मैंने देखा तो 50,000 लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है। 50,000, बहुत बड़ी फैमिली बन गया है 777 टैरोट चैनल। डेफिनेटली मुझे बहुत खुशी हो रही है और आपको भी बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। आप भी इस चैनल के साथ जुड़े हैं, आप सपोर्ट कर रहे हैं और वीडियोस को देख रहे हैं, आपको क्लैरिटी मिल रही है। बहुत खुशी होती है ये जानकर कि मैं आपकी हेल्प कर पा रही हूँ। ठीक है, तो इसी तरह से जुड़े रहें 777 टैरो चैनल के साथ, मेरे साथ, और मैं आपके लिए ऐसे ही रीडिंग्स लेकर आती रहूँगी। और ज़्यादातर रीडिंग जो मैं करती हूँ वो सब्सक्राइबर के रिक्वेस्टेड टॉपिक्स ही होते हैं, मैं उन्हीं पर करती हूँ। ठीक है, तो मैं बिल्कुल अपना 100% दूंगी और पर्सनल रीडिंग्स मैं नहीं करती हूँ। मैं आपको यहाँ पर भी बता देती हूँ, पर्सनल रीडिंग मैं नहीं करती हूँ क्योंकि यस, अभी मुझे नहीं लगता कि मुझे पर्सनल रीडिंग करनी है। मेरे पास टाइम का बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है, मैं और भी काम करती हूँ, उस वजह से पर्सनल रीडिंग नहीं कर पाती हूँ। लेकिन मैं एक दिन में 2 रीडिंग्स अपलोड करती हूँ यूट्यूब पर, ठीक है, आप सभी के लिए, ताकि आप सभी को गाइडेंस मिले, आप सभी को कुछ ना कुछ क्लैरिटी मिले यहाँ से। ओके, तो बहुत बहुत थैंक यू सो मच कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करा। आज पूरे 50,000 सब्सक्राइबर्स हो गए हैं यहाँ पर 777 टैरो चैनल पर, और मुझे बहुत खुशी है। आई होप कि आपको भी बहुत खुशी हो रही होगी कि हमारा चैनल ग्रो कर रहा है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग। आज का जो टॉपिक है ये भी एक रिक्वेस्टेड टॉपिक है। एक सब्सक्राइबर ने मुझको रिक्वेस्ट किया था कि मैं पता लगाऊं कि आपके पार्टनर आपसे सच में प्यार करते हैं या नहीं, ठीक है, और आपसे कितना प्यार करते हैं। ठीक है, ये उनका टॉपिक था। तो यहाँ पर हम बेसिकली उनके ट्रू इंटेंशन जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अगर हमने उनके इंटेंशन पता कर लिए तो हमें पता लग जाएगा कि आपके पार्टनर आपसे प्यार करते हैं या नहीं, ठीक है, या फिर एक टाइम पास की तरह आपको देखते हैं। ठीक है, ये बातें क्लियर करेंगे। तो उनका ये रिक्वेस्ट थी कि मैं इस टॉपिक पर रीडिंग करूं। ठीक है, तो आपसे कितना प्यार करते हैं और उनके हम यहाँ पर इंटेंशन जानने की कोशिश करेंगे। तो मैंने यहाँ पर 2 ग्रुप बनाए हुए हैं। ग्रुप नंबर 1 के लिए मैंने यहाँ पर ये वाला कार्ड रखा हुआ है, मेमोरीज ऑफ लव, इसको सिक्स ऑफ कप्स कार्ड कहते हैं। ठीक है, तो अगर आपको ये इस कार्ड से अगर आप अट्रैक्ट हो रहे हैं तो आप पाइल नंबर 1 को सिलेक्ट कर लें। ठीक है, 6 मेमोरीज ऑफ लव नंबर 6, एंड पाइल नंबर 2 के लिए मैंने यहाँ पर ये वाला कार्ड रखा है, पार्टनरशिप एंड अलायंस नंबर 3। तो अगर आप इस वाले कार्ड से अट्रैक्ट हो रहे हैं तो आप ये वाला कार्ड सिलेक्ट कर सकते हैं, पाइल नंबर 2 को सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत ही ध्यान से सोच समझकर एक पाइल सेलेक्ट कीजिए, और अगर प्रॉब्लम हो रही है सिलेक्ट करने में थोड़ी देर वीडियो को पॉज कर लें, देन आप एक पाइल को सिलेक्ट कीजिए। ठीक है, टाइमलेस है ये रीडिंग, जब भी आप देखेंगे आपको हेल्प करेगी। आई होप कि आपने अब तक एक पाइल सेलेक्ट कर लिया होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। हेलो एवरीबॉडी, जिन्होंने भी चूज किया ये वाला कार्ड मेमोरीज ऑफ लव, चलिए देखते हैं आपके पार्टनर के इंटेंशन क्या हैं आपको लेकर, आपसे सच में प्यार करते हैं, ट्रू लव करते हैं आपसे या नहीं। ठीक है, पता लगाने की कोशिश करते हैं। मैं आपके सामने ही कार्ड्स को शफल करके बताऊंगी आपकी रीडिंग। आप बिल्कुल पॉजिटिव रहें, स्टक ना होए अपनी लाइफ में, जो भी हो रहा है आपके साथ उसके साथ डील करें और अपनी लाइफ में आगे बढ़ें। ठीक है, क्योंकि स्टक होने से कुछ फायदा नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग, देखते हैं आपके पार्टनर आपसे प्यार करते हैं, उनके इंटेंशन क्या हैं। ठीक है, ओके, वी हैव 1 कार्ड जस्टिस, तो लिब्रा हो सकते हैं आप या आपके पार्टनर। लेट्स फाइंड मोर। वी हैव 1 कार्ड
हैंगमैन पाइसिस हो सकते हैं, आप या आपके पार्टनर मेजर अरखाना। ये बहुत सारे कार्ड्स हैं गाइस। चलिए ये कार्ड आ रहा है, नाइट ऑफ सोर्ड्स। ओके, नाइट ऑफ सोर्ड्स, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस। ओके, एट ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ वैंड्स एंड किंग ऑफ वैंड्स। वी हैव कपल। ओके, ओके, वी हैव टू कार्ड्स, सिक्स ऑफ वैंड्स एंड द डेथ कार्ड। ओके, बॉटम ऑफ द डेक वी हैव हाई प्रेस्टर्स। तो साइन बता देती हूँ मैं सबसे पहले, तो विर्गो हो सकते हैं, लिब्रा, पाइसेस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, स्कॉर्पियो, कैंसर, पाइसेस। यहाँ पर अर्थ साइन में से सिर्फ विर्गो साइन आया है हमारे पास बॉटम ऑफ द डेक से, अदरवाइज यहाँ पर अर्थ साइन नहीं है। लेकिन आपको अगर साइन नहीं है लेकिन आपको रीडिंग पर फोकस करना है, वरना यहाँ पर सारे साइन है, यहाँ पर एरीज, लियो, सैजिटेरियस, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस एंड कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस एंड विर्गो। ठीक है, ये साइन है यहाँ पर। टॉरस एंड कैप्रिकॉन नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करती है तो डेफिनेटली ये रीडिंग आपके लिए है। ठीक है, ओके, तो सबसे पहली बात मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आप दोनों के बीच में कोई कांटेक्ट नहीं है, सबसे पहली बात तो। और ये कांटेक्ट ना होने का रीज़न तो सबसे पहले मुझे इन दो कार्ड्स ने ही बता दिया, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे को देख भी नहीं रहे हो। देख लो किस तरीके से, आपका मुंह उस तरफ है, इनका मुंह उस तरफ है, आप दोनों एक दूसरे को देख नहीं रहे हो। इट मीन्स आप दोनों कांटेक्ट में नहीं हो, आप दोनों बात नहीं कर रहे हो। हो सकता है कुछ इश्यूज हुए हैं आपके बीच में जिसकी वजह से आप दोनों बात नहीं कर रहे हो। ठीक है, और डेफिनेटली आप दोनों ही वेट पर हो, वेटिंग गेम यहाँ पर है। ठीक है, कुछ ना कुछ डिले है यहाँ पर, हो सकता है गॉड डिले है आप दोनों के बीच में, ये भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये जो पार्टनर है, ये पार्टनर आपके प्यार को एक्सेप्ट नहीं कर रहे, रिसीव नहीं कर रहे हैं, ये पार्टनर बिल्कुल इग्नोर कर रहे हैं आपके कप को। ठीक है, लेकिन इग्नोर करके खुश भी नहीं है। ठीक है, ये पार्टनर खुश भी नहीं है, इस पार्टनर को पता है कि आपके साथ एक अच्छा कनेक्शन है, एक ट्रू कनेक्शन है, और लेकिन ये पार्टनर कुछ ना कुछ, मैंने बताया ना कि गॉड डिले है, इसी वजह से शायद से ये पार्टनर आपके प्यार को अभी एक्सेप्ट नहीं कर सकते। ठीक है, चाहकर भी नहीं कर सकते। मुझे लग रहा है कि इस पार्टनर ने आपके साथ ब्रेकअप किया हुआ है, ये पार्टनर बिल्कुल भी आपके ऊपर ध्यान दे ही नहीं रहे हैं, ऐसा भी मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। और ये पार्टनर अपनी बातों को छुपाते हैं, बताते नहीं हैं, काफ़ी इंट्यूटिव पर्सन है, या तो आप हैं या आपके पार्टनर। लेकिन यहाँ पर कास्ट वगैरह का मैं कुछ इशू देख पा रही हूँ। ठीक है, धर्म वगैरह का कुछ अलग है आप दोनों के बीच में, लेकिन फिर भी लव, अगर लव देखा जाए तो यस, देखिए यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्शन देख रही हूँ मैं, काफ़ी पैशनेट हैं आप दोनों एक दूसरे को लेकर। और ये पार्टनर खुद में चेंज भी लेकर आ रहे हैं, हो सकता है पहले इनके इंटेंशन उतने अच्छे नहीं थे आपको लेकर, लेकिन मैं देख रही हूँ इस पार्टनर में चेंज आ रहा है विद द डेथ कार्ड। ये पार्टनर खुद में चेंज लेकर आने की कोशिश कर रहे हैं, ये पार्टनर लाइफ में आगे भी बढ़ रहे हैं, ये पार्टनर आपके पास आ भी रहे हैं, मैं ऐसा भी देख रही हूँ। ठीक है, ये पार्टनर सिक्स ऑफ वैंड्स का मतलब होता है विक्ट्री। तो आपका क्वेश्चन था आपके पार्टनर आपसे प्यार करते हैं या नहीं, तो यस यहाँ पर आया है कि प्यार करते हैं, लेकिन पहले इनके इंटेंशन वैसे नहीं थे, पहले इस पार्टनर ने काफ़ी आपको मैनिपुलेट करा। इस ये पार्टनर ही कुछ इस टाइप के थे, इनकी एनर्जी ही कुछ इस टाइप की थी जिससे कि ये खुल के बताते नहीं थे, और इन्होंने आपको पहले फॉर ग्रांटेड लिया होगा। ठीक है, आपके साथ कनेक्शन बनाया होगा बस एक प्लान के थ्रू। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जस्टिस कार्ड आया है, इसका मतलब होता है गॉड कुछ ना कुछ जस्टिस करेंगे। हो सकता है इस पार्टनर ने आपका दिल तोड़ा है, तो अब जस्टिस होना स्टार्ट होगा गॉड की तरफ से। ठीक है, ऐसा मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। ये पार्टनर हो सकता है बहुत जल्दी जल्दी एक्शन ले लेते हैं, बहुत ही जल्दी चीज़ों को बिना समझे रिएक्ट कर देते हैं। ठीक है, काफ़ी यंगर एनर्जी है इनों के अंदर। ठीक है, हो सकता है कि ये पार्टनर पहले प्लेयर रहे हों,
प्लेयर हो सकते हैं ये पार्टनर, लेकिन अब मैं देख रही हूँ ये पार्टनर आपके पास आ रहे हैं, ये पार्टनर खुद में चेंज लेकर आने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं से इस पार्टनर को रियलाइज़ हो रहा है, क्योंकि जस्टिस आपको मिल रहा है, तो इस पार्टनर को रियलाइज़ हो रहा है कि आपके साथ एक कनेक्शन है जो कि काफ़ी स्ट्रांग है, ठीक है। एक बार यहाँ से देखते हैं ट्रू लव ओरेकल डेक से, यहाँ से क्या आता है उनकी फीलिंग्स आपके लिए। यहां से देखते हैं गाइस एक बार। ओके, वी हैव वन कार्ड कंपैटिबिलिटी। डेफिनेटली देखिए, यहां से भी हमारे पास सेम डेक से सेम कपल आए हैं, किंग ऑफ वैंड्स एंड क्वीन ऑफ वैंड्स। तो डेफिनेटली आप दोनों एक दूसरे के लिए बिल्कुल परफेक्ट मैच हैं, कंपैटिबल हैं एक दूसरे के लिए, लेकिन अभी कनेक्शन को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, गुस्सा होकर बैठे हो, या फिर इस पार्टनर ने आपको इग्नोर करा, आपके साथ ब्रेकअप कर लिया, लेकिन जस्टिस अब होगा, ठीक है। कंपैटिबिलिटी का मतलब होता है आप दोनों एक दूसरे को अपने लिए बिल्कुल परफेक्ट मैच मानते हो, ठीक है। ये पार्टनर कहते हैं यही पार्टनर है जो मेरे लिए बना है, और आप कहते हैं कि यही पार्टनर है जो मेरे लिए बना है, ठीक है। इस तरह की फीलिंग्स हैं आप दोनों की एक एक दूसरे के लिए, लेकिन यहाँ पर कुछ ना कुछ गॉड डिले है जिसकी वजह से आप दोनों अभी यूनियन में नहीं आ पा रहे हो। गॉड डिले है यहाँ पर कुछ ना कुछ, और दोनों ही कुछ नहीं कर सकते हो। लेट्स सी मोर। ओके, वी हैव वन मोर कार्ड सेरेंडिपिटी। सेरेंडिपिटी, ओके, तो इट मीन्स ओके, तो चीजें अपने आप ही नेचुरली अनफोल्ड होगी, ठीक है। आपको नहीं पता, इस पार्टनर को नहीं पता क्या सरप्राइजेज आपके लिए आगे रखे हुए हैं गॉड ने, ठीक है। आपको सब कुछ अपने नसीब पर छोड़ना पड़ेगा। अगर ये पार्टनर आपके नसीब में है, डेफिनेटली ये आपके पास आएंगे, और यहाँ पर आप दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं गाइस, नो डाउट। ये पार्टनर भी आपसे प्यार करते हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ ना कुछ डिवाइन टाइमिंग रोल प्ले कर रही हैं, ठीक है। इस पार्टनर को देखो, मैं आपको बताती हूँ, ये जो बोर्ड में जो पार्टनर बैठे हुए हैं, इनको नहीं पता कि जब, क्योंकि देखिए इनों के यहाँ पर ना एक ये पत्थर का एक पहाड़ सा है, इनको नहीं पता जब ये यहाँ पर आएंगे तो इनके लिए क्या ब्लेसिंग्स है। इतना ब्राइट सन है यहाँ पर, देखिए हैप्पीनेस है, एंजल्स हैं, ठीक है। तो इनको इनको नहीं पता, जैसे जैसे ये अपनी लाइफ में आगे बढ़ेंगे, जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा, इनको हर चीज़ अपने आप इनके सामने आ जाएगी, ठीक है। तो बिल्कुल सेरेंडिपिटी, सेरेंडिपिटी मींस आपको नसीब पर छोड़ना पड़ेगा सब कुछ, ठीक है। डिवाइन टाइमिंग। और देखते हैं गाइस क्या आता है यहाँ से आपके लिए। ओके, वी हैव वन कार्ड स्पिरिचुअल मैच्योरिटी। स्पिरिचुअल मैच्योरिटी डेफिनेटली, ये कनेक्शन ऐसा है आपका कि आपको काफ़ी ज़्यादा आपकी सोल को ग्रो करने में भी हेल्प कर रहा है। आप काफ़ी इंट्यूटिव पर्सन बन रहे हैं, गॉड के साथ काफ़ी कनेक्शन आपका स्ट्रांग हो रहा है, और आपको, आपने बिल्कुल सरेंडर करके बैठा हुआ है गाइस, बिल्कुल आप सरेंडर करके बैठे हुए हो कि जो होगा वो होगा। और देखिए, मैं यहाँ से बिल्कुल ऐसा देख पा रही हूँ कि आप या तो हायर लेवल ऑफ सोलमेट्स हैं, या फिर आप ट्विन फ्लेम हैं, भले ही आप चाहे अभी कनेक्शन में नहीं हैं, ठीक है, आप का ब्रेकअप हो गया, या फिर आप नो कांटेक्ट में हो, या डिवोर्स भी हो गया, लेकिन देखिए यहाँ पर, या फिर आप बहुत कम बातें कर रहे हो। अगर आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स हैं, डोंट वरी, देखिए किस तरीके से ये जो कपल है ये डे बाय डे जा रहे हैं ऊपर की तरफ, ठीक है। स्पिरिचुअल मैच्योरिटी, इसका मतलब होता है कि आप दोनों की सोल कनेक्ट है, आप दोनों जो काम कर रहे हो अपने अपनी साइड से, वो आपको डे बाय डे आपका लेवल ऊपर जा रहा है, आप मैच्योर हो रहे हो, आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ हो रही है, ठीक है। तो ये कनेक्शन में आप आए हो, ये पार्टनर आपको मिला है क्योंकि आपके अंदर बेटर चेंजेस आ पाए, ठीक है, और आप एक दूसरे के लिए बिल्कुल कंपैटिबल हो। डेफिनेटली ये पार्टनर आपसे प्यार करते हैं, आपके पास आना चाहते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पर डिवाइन टाइमिंग रोल प्ले कर रही है, तो डिवाइन टाइमिंग का वेट करो, सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। चलिए अब एनर्जी और ओरेकल से देखते हैं यहां से आपके लिए क्या आता है। लेट्स फाइंड। यहां से क्या आता है आपके लिए, लेट्स फाइंड। ओके, अटैचमेंट डेफिनेटली, नंबर 5 अटैचमेंट। स्कॉर्पियो बहुत स्ट्रांग है यहाँ पर, तो अटैचमेंट है आपके पार्टनर को आपसे,
ये चाहे आपसे बात कर रहे हैं, नहीं कर रहे, बहुत कम बात कर रहे हैं, झगड़े वगड़े भी अगर हो रहे हैं आप दोनों के बीच में, तो डेफिनेटली अटैचमेंट है। अटैचमेंट की ही वजह से ये बार बार आपके पास आ जाते हैं, और फिर आप दोनों एक दूसरे को कंपैटिबल भी मानते हो एक दूसरे के लिए, तो डेफिनेटली ये पर्सन आपसे प्यार करते हैं। बस चैलेंज है यहाँ पर, रेस्ट एंड रेजुविनेट तो हो सकता है। अभी ये पार्टनर रेस्ट पोजीशन पर हैं, खुद को हील कर रहे हैं, और देखिए यहाँ से भी ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड आया था, डेथ कार्ड, इसका मतलब है कि ये अपने अंदर पॉजिटिव चेंज भी लेकर आ रहे हैं, तो खुद को हील कर रहे हैं ये पार्टनर, ठीक है। हो सकता है आप भी मेडिटेशन करते हैं अपने पार्टनर को अट्रैक्ट करने के लिए, ऐसा भी हो सकता है। द थिंकिंग वुमेन, देखिए यहाँ से बिल्कुल क्लियर हो गया कि आप कितना सोचते हो, क्या होगा, कब होगा, कैसे होगा, मेरे पार्टनर मेरे को छोड़ तो नहीं देंगे, ये डाउट मत रखो, अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहो। आप प्योर हो, आप सच्चे हो, आपका हार्ट सच्चा है, आपने दिल से प्यार किया है, तो फिर आपको डरने वाली क्या बात है। सोचिए मत किसी के बारे में, इतना परेशान मत होइए सोच सोच कर, जिसको आपकी लाइफ में आना है वो आएगा, जो आपके नसीब में लिखा है वो तो आएगा ही। द गार्डन एंड द गेट, ओके, डेफिनेटली आप बहुत सोच रहे हो, बहुत परेशान हो रहे हो सोच सोच कर, आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। आपके पार्टनर को आपसे काफ़ी अटैचमेंट है, आपको अपने लिए बिल्कुल कंपैटिबल मानते हैं, और डेफिनेटली आप सोच सोच कर अपनी हेल्थ ख़राब करेंगे। द गार्डन एंड द गेट का मतलब है इस पार्टनर के ही हाथ में की है आपके पास आने की, ठीक है। देखिए इसके पास यहाँ पर नेक में की है, और डेफिनेटली ये पार्टनर खुद आ सकते हैं, इस डिले को ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन नहीं कर पा रहे, तो कुछ ना कुछ डिवाइन टाइमिंग रोल प्ले कर रही है। डोंट वरी, बहुत जल्दी ये टाइम भी ख़त्म हो जाएगा और आप दोनों का यूनियन भी हो जाएगा, ठीक है। लेकिन आप सोचिए मत, मेडिटेशन कीजिए और मैनिफेस्ट कीजिए, ठीक है, क्योंकि अगर अच्छे से मैनिफेस्ट करोगे तो सब कुछ अच्छा होगा। चलिए यहाँ से कुछ गॉड आंसर्स लेते हैं आपके लिए, गॉड आपको क्या आंसर देंगे आपके क्वेश्चन का, ठीक है, यहाँ से पता करते हैं। ओके, बहुत सारे आ गए हमारे पास आंसर्स, देख लेते हैं इन्हें। बी असर्टिव, बिल्कुल असर्टिव रहिए, सोचिए मत इतना कैसे होगा, कब होगा, क्या होगा, रिकंसीडर कीजिए, एंड लिसन टू योर इंट्यूशन, डेफिनेटली। देखिए यहाँ से भी ये कार्ड आया था, आपको अपने इंट्यूशंस को फॉलो करना है, आपके इंट्यूशन आपको क्या गाइड कर रहे हैं, क्या बता रहे हैं, ये सोचकर आप अपना मैनिफेस्ट कीजिए, ठीक है, पॉजिटिव रहिए। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स, तो आप हेल्प ले सकते हैं, ठीक है, मेरे चैनल पर भी आपको हेल्प मिली होगी कुछ ना कुछ, या फिर अपने फ्रेंड फैमिली वगैरह से पूछिए, कुछ ना कुछ आपको हेल्प मिलेगी, इफ़ यू बिलीव, अगर आप बिलीव करते हैं और आप ट्रस्ट करते हैं तो, ठीक है। अपने इंट्यूशंस को फॉलो कीजिए, रिकंसीडर कीजिए, अपने कनेक्शन के बारे में सोचिए। अगर आपको लगता है कि ये पार्टनर आपसे, देखिए हमारे इंट्यूशन हमें सब कुछ बताते हैं, ऐसा कुछ नहीं है जो हमारे इंट्यूशन हमें नहीं बताते, हमारे पार्टनर हमारे बारे में कैसा फील कर रहे हैं, क्या कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, तो उस हिसाब से हमारे इंट्यूशन हमें कुछ ना कुछ गाइड करते हैं, ठीक है। अगर आप बिलीव करते हैं, ट्रस्ट करते हैं अपने इंट्यूशंस पर, तो एक बार रिकंसीडर कीजिए और पॉजिटिव रहिए, ठीक है, ये आपको गॉड ने आंसर्स दिए हैं आपको, ठीक है। आई होप कि ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हुई हो, आपको पसंद आई हो। अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हुई है तो कमेंट सेक्शन में बताना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। अभी के लिए बस इतना ही, बाय, टेक केयर। हेलो एवरीबॉडी, जिन्होंने भी चूज़ किया ये वाला कार्ड, पार्टनरशिप एंड अलायंस, चलिए देखते हैं आपके पार्टनर के इंटेंशन क्या है, आपको लेकर आपसे प्यार करते हैं या नहीं, ठीक है, सब कुछ पता लगाएंगे आज की रीडिंग में। आप बिल्कुल पॉजिटिव रहें, स्टक ना होए अपनी लाइफ में, ठीक है, और आगे बढ़ें। चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। आपसे प्यार करते हैं या नहीं, उनके रियल इंटेंशन क्या है आपको लेके। ओके, वी हैव वन कार्ड स्ट्रेंथ, तो लियो हो सकते हैं आप या आपके पार्टनर। थ्री ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, ओके, वी हैव टू कार्ड्स, द डेविल एंड द टेन ऑफ कप्स।
कैप्रिकॉन, कैंसर स्कॉर्पियन पाइसेस, कैंसर यहाँ स्पेशल है, एंड पेज ऑफ सोर्ड्स, ओके। Page of Pentacles, okay. Six of Cups. And bottom of the deck we have Eight of Wands. चलिए मैं आपको साइन बता देती हूँ, तो आप हो सकते हैं कैप्रिकॉन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस, वर्गो एंड लियो एंड जेमिनी, लेब्रा, ठीक है। ये साइन यहाँ पर आए हैं, तो हो सकता है ये साइन हो आपके आपके पार्टनर के। तो आपके पार्टनर के इंटेंशन कैसे हैं आपको लेकर? यहाँ पर मैं सबसे पहले तो बता दूँ कि आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी है, ठीक है। थर्ड पार्टी अब ये फैमिली हो सकती है या फिर कोई और पर्सन हो सकता है, लेकिन यहाँ पर जो एनर्जी आई है, आपके पार्टनर ना आपको लेकर अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा फील करते हैं। देखिए यहाँ से भी जो ये वाला कार्ड आया है एट ऑफ वैंड्स, ओवरऑल एनर्जी है कि ये पार्टनर आपको लेके काफ़ी अट्रैक्शन फील करते हैं, रोमांटिक फीलिंग्स हैं और काफ़ी सेक्सुअल अट्रैक्शन है आप दोनों के बीच में, ठीक है। हो सकता है इस पार्टनर के एडिक्शंस हों, या फिर ये भी हो सकता है कि ये पार्टनर प्लेयर हो, ठीक है। इसने आपके साथ कनेक्शन बनाया एज अ फन, ऐसा भी मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। हो सकता है आप लोगों आप काफ़ी समय से एक दूसरे को जानते हैं, आप हो सकता है क्लासमेट्स रहे हो, ठीक है, या फिर स्कूल मतलब स्कूल में या कॉलेज वगैरह में आपने पढ़ाई इकट्ठा करी है, ऐसा हो सकता है। या फिर ये हो सकता है कि आप चाइल्डहुड फ्रेंड हैं और फैमिली वगैरह आप दोनों की कनेक्टेड है, ठीक है। फैमिली फ्रेंड्स हो सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है। और ये भी हो सकता है कुछ के लिए कि ये आपके सोलमेट हो, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। एक कार्मिक सोलमेट, ठीक है, ऐसा मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। मतलब कि इस पर्सन के साथ आपको डील करनी ही थी, ठीक है, आप चाहे ना चाहे इस पर्सन को आपकी लाइफ में आना ही था, आपके साथ डील करनी ही थी, ठीक है। यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि ये पार्टनर आपको काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया पर वॉच करते हैं, आपको स्टॉक करते हैं, आपके व्हाट्सएप वगैरह, आपके फेसबुक आईडी, इंस्टा वगैरह को चेक करते हैं, ठीक है। मुझे लग रहा है कि ये पार्टनर थर्ड पार्टी के साथ स्टक हैं, और हो सकता है कि इस पार्टनर की शादी वगैरह कहीं फिक्स हो गई है, ऐसा भी हो सकता है। ये भी हो सकता है कि आप दोनों लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन में हैं, लॉन्ग डिस्टेंस भी मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, ट्रैवल है आप दोनों के बीच में। ये पार्टनर चाहते हैं आपको मैसेज करना, आपको स्टॉक कर रहे हैं काफ़ी, और इनों के जो इंटेंशन है ना आपको लेकर, मुझे नहीं लगता कि ट्रू हैं, मैं ऐसा यहाँ पर देख पा रही हूँ कार्ड्स को देखकर। मुझे नहीं लगता कि आपसे एक ट्रू लव करते हैं, ट्रू लव की वाइब मैं यहाँ पर गेट नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन यस यहाँ पर अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, फिज़िकल अट्रैक्शन इस पार्टनर को लेकर आपको काफ़ी अट्रैक्शन है, और ये पार्टनर भूल नहीं पाते आपको, ठीक है, ऐसा है। यहाँ पर डेफिनेटली यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन है, यहाँ पर आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं। ये पार्टनर चाहते हैं आपके पास आना, आपसे बात करना, ठीक है। ये भी हो सकता है कि ये पार्टनर आपसे एज में छोटे हों, ऐसा भी यहाँ पर पॉसिबल है, ठीक है। ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा, लेकिन यस थोड़ा बहुत डिफरेंस है, एज डिफरेंस है यहाँ पर। और यहाँ पर मैं देख रही हूँ आपने काफ़ी स्ट्रेंथ बनाई हुई है, आप काफ़ी समझने की कोशिश कर रहे हैं इस पार्टनर के इंटेंशंस को, लेकिन यस यही है कि ये पार्टनर आपके साथ थोड़ा सा मतलब इनके जो इंटेंशन है, ये मुझे नहीं लग पाता कि, मुझे नहीं लग रहा कि ये आपसे 100% प्यार करते हैं, प्योर लव करते हैं आपसे, ठीक है। ट्रू लव की वाइब मैं यहाँ पर गेट नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन यस यहाँ पर अट्रैक्शन है, ठीक है, और हो सकता है कि लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन में हैं आप। ये पार्टनर चाहते हैं आपके साथ कांटेक्ट करना, लेकिन ये पार्टनर बहुत कंफ्यूज भी होते हैं, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन में होते हैं। देखिए यहाँ से भी एम्प्रेस कार्ड आ गया, इट मीन्स ये एडमायर तो करते हैं आपको, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील करते हैं आपके साथ, लेकिन एक डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये चाहते हैं आपके साथ कॉन्टैक्ट करना, आपके सोशल मीडिया को भी स्टॉक कर रहे हैं, और ये पार्टनर लेकिन
या तो घर वाले इनको मजबूर, देखिए इन्हीं इन्हीं की मैं इन्हीं के ही इंटेंशन आपको बताऊंगी, इनको सिर्फ अट्रैक्शन ही फील होता है, ये कोई इनके आप दोनों के बीच में कोई कोई केमिस्ट्री नहीं देख पा रही हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है। हो सकता है ये आपके कोई कार्मिक पार्टनर है, इनको आपके साथ डील करनी ही थी, ठीक है। मैं कुछ भी आपको खुश करने के लिए अच्छा नहीं बोलूंगी, यहाँ पर जो कार्ड्स आए हैं उसी तरीके से मैं यहाँ पर बात करूंगी, ठीक है। चलिए फिर भी एक बार ट्रू लव ओरेकल डेक से देखते हैं यहाँ से क्या आता है, इनके ट्रू इंटेंशन हमें यहाँ से भी पता चलेंगे। हो सकता है ये पार्टनर काफी रिच है, पैसा बहुत है इस पार्टनर के पास, और ये पार्टनर काफी सेलिब्रेट करते हैं इनर पीस। चलिए दो कार्ड्स आ गए, देखते हैं, मैनिफेस्टेशन एंड सोलमेट। डेफिनेटली सोलमेट कार्ड तो यहाँ निकल कर आ गया गाइस, यहाँ से भी सिक्स ऑफ कप्स कार्ड आया था, यहाँ से भी सोलमेट आ गया। तो ये पार्टनर आपके सोलमेट हैं, आप में से बहुत सारे लोग सोलमेट कनेक्शन में हैं, लेकिन हो सकता है कि कोई कार्मिक सोलमेट हैं आपके, ठीक है। आपको आपको इस पार्टनर ने आपको बहुत परेशान किया हुआ है, काफ़ी ज़्यादा आपसे मतलब लड़ाई झगड़े भी हुए होंगे, और आपसे मतलब इन एंड ऑफ वाला कनेक्शन है, इन एंड आउट वाला कनेक्शन है यहाँ पर। आप काफ़ी मैनिफेस्ट कर रहे हैं इस पार्टनर को पाने के लिए कि आप दोनों एक हो जाएं, ठीक है। अपने अंदर इनर पीस भी लेकर आ रहे हैं, अपने आप को शांत करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस पार्टनर को अभी आने में टाइम भी लगेगा। लेकिन अभी तो इस पार्टनर को देखिए, ये पार्टनर तो मैसेज भी कर सकते हैं आपको, ठीक है, मैसेज कॉल इनकी तरफ से आ सकता है, लेकिन ये पार्टनर थर्ड पार्टी के साथ भी डील कर रहे हैं, ठीक है। तो अब आप देखिए कि आपको इनके साथ बात करनी है या नहीं करनी, ठीक है, क्योंकि यस ये पार्टनर थर्ड पार्टी के बीच में भी स्टक है, ये उनों के साथ भी डील कर रहे हैं, और एट द सेम टाइम ये पार्टनर चाहते हैं कि आपको भी मैसेज करें, ठीक है। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ आप देखिए, थोड़ा सा मैनिफेस्टेशन कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, और सोचिए कि ये पार्टनर आपके लिए सही है या नहीं है, ठीक है। सॉरी गाइज, मैं अभी रेडी नहीं हूँ, कार्ड नहीं लूंगी, ठीक है। क्योंकि ये इंसान किसी और के साथ भी डील कर रहे हैं, और आपसे भी मतलब अट्रैक्शन है इनको, तो जब तक पूरी तरीके से आपको कमिटमेंट नहीं देंगे ये पार्टनर, तो आप इन पर बिलीव मत करना, ठीक है। ये मेरी एडवाइस है, अब आपको फॉलो करनी है, तो आप देखिए। ओके, वी हैव थर्ड चक्र आर्कएंजल माइकल, वी हैव केयरिंग कनेक्शन, ओ माय गॉड। ओके, चलिए एक कार्ड और आ गया, इनवे एक कार्ड और लेंगे गाइस, फिर बताते हैं आपको। एंजल ऑफ लव, ओके। हो सकता है कि इस पार्टनर को काफी जेलसी भी है, अगर आप किसी और से बात करते हैं तो ये पार्टनर जेलस हो जाते हैं, इनवे आ जाता है इनके अंदर, ठीक है। केयरिंग कनेक्शन तो है गाइस, आप सोलमेट कनेक्शन में हो अगर इस पार्टनर के साथ, जिसके भी साथ ये रीडिंग रेजोनेट हो मुझे बताना। केयरिंग कनेक्शन तो है, आप इनकी काफ़ी केयर करते हो, हो सकता है ये पार्टनर भी आपकी केयर करते हैं कहीं ना कहीं, केयर तो है यहाँ पर, लेकिन यस बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है यहाँ पर, ठीक है ना। यहाँ पर अभी भी ये पार्टनर किसी और के साथ डील कर रहे हैं, क्योंकि थर्ड पार्टी का कार्ड यहाँ पर आया है। हो सकता है कि इस पार्टनर के घर वाले इनकी कहीं और शादी वगैरह फिक्स करा रहे हैं, और डेफिनेटली एक केयरिंग कनेक्शन है आप दोनों के बीच में, इसीलिए शायद आप इस पार्टनर को भूल नहीं पा रहे हो। एंजल ऑफ लव आपको सपोर्ट कर रहे हैं, एंजल आर्के एंजल माइकल आपके साथ हैं, ये जो पार्टनर हैं डेफिनेटली इसको जेलसी भी होती है अगर आप किसी और से बात करते हो तो, ऐसा भी होता है, ठीक है। तो जेलसी है, अट्रैक्शन है, रोमांटिक फीलिंग्स हैं, तो यहाँ इन इन सारी बातों को देखकर मुझे लग रहा है कि हो सकता है कि ये पार्टनर जब इतनी जेलसी फील कर रहे हैं, एक केयरिंग कनेक्शन भी शो हुआ यहाँ पर, तो हो सकता है कि थर्ड पार्टी के साथ वैसा कनेक्शन ये पार्टनर फील नहीं करते, और ये पार्टनर आपके साथ ज़्यादा अट्रैक्शन और केमिस्ट्री फील करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं 50-50 ही बोलूँगी कि यस ये पार्टनर आपसे अट्रैक्टिव, तो देखिए बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन बहुत है यहाँ पर। अब आप देखिए कि
क्योंकि आपको बेहतर पता है, आपके इंट्यूशन आपको कुछ ना कुछ कहते होंगे कि ये पार्टनर आपसे प्यार करते हैं या नहीं, इनके इंटेंशन कैसे हैं, क्योंकि यहाँ पर बात निकल कर आई है थर्ड पार्टी की और एट द सेम टाइम ये चाहते हैं कि आपके साथ भी कॉन्टैक्ट करें। लेकिन यस, ये इनके मन में जेलसी भी होती है अगर आप किसी और से बात करते हैं, किसी और के साथ कनेक्शन बनाने के बारे में सोचते हैं तो इनको जेलसी होती है, ठीक है। फिर उसके बाद इनको समझ में आता है कि अरे मेरे को इस पार्टनर को खोना नहीं है, ठीक है। तो एक केयर है, एक डर बैठा हुआ है इस पार्टनर के मन में, ठीक है। तो यस, थोड़ा ऐसा नहीं है कि प्यार नहीं है, प्यार है, लेकिन थर्ड पार्टी सिचुएशन भी है यहाँ पर, ठीक है। अब आप देखिए आपको करना क्या है, जो कार्ड्स आए मैंने वो रीड कर दिए, जिनों के भी साथ अब रीडिंग रेजोनेट हो तो मुझे बताना, ठीक है। यहाँ यहाँ से गॉड एडवाइस ले लेते हैं आपके लिए, गॉड आपको क्या कहेंगे, ठीक है। यहाँ से देखते हैं, ओके, चलिए बहुत सारे आंसर्स आ गए आपके लिए गाइस। लुक फॉर अ साइन, तो कुछ ना कुछ साइन आपको मिल रहे होंगे, तो आप साइन देखिए, साइन से थोड़ा सा पता लगाने की कोशिश कीजिए। हेल्पफुल पीपल, तो कुछ दोस्तों की मदद लें, अपने फ्रेंड्स वगैरह में पूछें इस पार्टनर की लाइफ में क्या हो रहा है। दिस सिचुएशन विल इम्प्रूव, ओके। अब गॉड ने कह दिया कि ये सिचुएशन इम्प्रूव हो जाएगी, ठीक है। अगर अभी आपके पार्टनर थोड़ा ऐसे हैं तो हो सकता है कि आगे चलकर इनमें इम्प्रूवमेंट आ जाए। वेट वेट करने के लिए कह रहे हैं गॉड आपको इस पार्टनर का। एंड सक्सेस कह दिया गॉड ने, सक्सेस मिलेगी आपको आगे, ओके। एंड बिग हैप्पी चेंजेस, वाओ, सक्सेस एंड बिग हैप्पी चेंजेस। तो यस, जेलसी है और केयरिंग कनेक्शन है, तो डेफिनेटली प्यार तो है यहाँ पर, लेकिन थर्ड पार्टी सिचुएशन भी है। थर्ड पार्टी किसी के लिए कोई और पर्सन हो सकता है, किसी के लिए परिवार हो सकता है। तो अगर ये पार्टनर आपके लिए स्टैंड लेते हैं, आपके लिए अपने घर वालों से लड़ते हैं, या थर्ड पार्टी को छोड़कर आपके पास आते हैं प्योर इंटेंशंस के साथ, तो डेफिनेटली आपको वेट करें, तभी आप इनके लिए कोई डिसीजन लें, ठीक है। लेकिन अगर ये पार्टनर आपको परेशान कर रहे हैं, आपके किसी कॉल मैसेज का कोई रिप्लाई नहीं है, आपको हर्ट कर रहे हैं डे बाय डे, तो फिर थोड़ा सा आपको सोचने की ज़रूरत है, ठीक है। तो ये है आपकी रीडिंग, आई होप कि आपके साथ रेजोनेट हुई हो, आपको पसंद आई हो। अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हुई है तो कमेंट सेक्शन में बताना। अगर आप चैनल पर नए हैं, आपको रीडिंग अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। अभी के लिए बस इतना ही, बाय, टेक केयर।